जी मस्जिद प्रेयर रूम फॉर द लेडीज अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू माय व्लॉगिंग वर्ल्ड जस्ट नमाज पढ़कर अभी आए हैं एंड अमेज़न से कुछ चीजें ऑर्डर की थी सो दीज आर द लाइट्स आई ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़ॉन एक्चुअली मेरे लिए भी चाहिए था मेरे ड्रेसिंग टेबल के लिए और कुकू के ड्रेसिंग टेबल के लिए बट फर्स्ट मैंने कुकू के लिए ऑर्डर किया है देखती हूँ कैसा है अगर क्योंकि मेरे ड्रेसर के पास कोई स्विच बोर्ड नहीं है दैट्स द रीज़न आई डिडन्ट ऑर्डर फॉर माई सेल्फ सो आई हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट सो ये है स्टिकर्स आई मीन द टू साइडेड टेप लाइट्स 1, 2, 3, 4, 10 लाइट्स अभी इसको फिक्स करती हूँ कुकु के ड्रेसर पर वी नीड टू एडजस्ट द सेम वे लाइट्स ऐसे पीछे तो कैसे एडजस्ट करना उसके ये जब भी तैयार होते हैं रूम का जो लाइट है इट्स नॉट एनफ इस वजह से आई ऑर्डर दिस एक्चुअली ओके Let's go. So finally, here's the look of the dressing table. Perfect. Actually, बहुत time लगा आधा घंटा लगा इसके वजह से exactly ये measure करके ये जो wires इसके बीच में है it will fit a big mirror also. इसलिए इसके around मैंने wire को fold किया है So measure करते करते आधा घंटा तो लग गया But it's looking really beautiful. मेरे ड्रेसर के पास स्विच बोर्ड नहीं है इस वजह से आई डिडन्ट ऑर्डर फॉर माई सेल्फ सो आई हैव अ ऑप्शन पावर बैंक यूज कर सकते हैं एंड आई एम गोना फिक्स ऑन माई ड्रेसर एज वेल कुकूज ड्रेसर इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल जब भी तैयार होते हैं मेकअप करते हैं और कुकू को भी जब भी मैं तैयार करती हूँ लाइट बहुत कम आता है एंड रूम का लाइट इज नॉट एनफ फॉर गेटिंग रेडी आई गेस आई डिड अ वेरी गुड थिंग सो इसमें हम लाइट एडजस्ट कर सकते हैं ब्राइट भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं एंड तीन ऑप्शंस है जैसे कि गोल्ड ये हो गया गोल्ड ये हो गया वाइट और ये हो गया ब्राइट लाइट सो इट्स रियली गुड फॉर स्पेशली गेटिंग रेडी एंड अभी टाइम हो गया है मुझे जाकर इफ्तारी की तैयारी करनी है सो टुडेज मेन्यू वेज मेथी चिकन खुशका रोटी खीमा पफ पेस्ट्री और शरबत मेथी चिकन तो बन गई है खुशका भी रेडी है रोटी बनाना बाकी है खीमा पफ पेस्ट्री बनाना बाकी है स्टफिंग बना दी है और शरबत भी बनाना बाकी है और इफ्तार के लिए बस सिर्फ एक घंटा सो बैक अगेन इन किचन और अभी बना रही हूँ मैं पफ पेस्ट्री ये रही मेथी चिकन बन गई है मेथी चिकन रेडी रोटी का आटा गूंद दिया है एंड अभी आई वांट टू क्विकली मेक पफ पेस्ट्रीज एंड एयर फ्राई में बना रही हूँ और रोटी भी बनाना बाकी है सो ओके यूजुअली मैं बेलती हूँ इस बार सोच रही हूँ मैं नहीं बेलूँ और दिस इज द स्टफिंग need a fork and a spoon and also I need eggs so okay. like this क्योंकि मैं बना रही हूँ एयर फ्राई में और अगर बेल कर मैं इसका साइज बढ़ा दूंगी तो एयर फ्राई में जगह कम रहेगी सो इसे डिजाइन दे देती हूँ
अच्छा लग रहा है तुमको? यस क्यूट। यस बन गए परफेक्ट। यस हैंड्स रख डालेंगे और जल्दी जल्दी सारे बना लेंगे। देख लियो कैसा बना रही हूँ और मेरे साथ आप भी बनाइए। नको बेटे छोड़ रोजा बच्चे काम काम करते so नहीं मैं बनाती हूँ। ला 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 डोंट वांट माय बेबी बट माय मेकू हेल्प्स इन सेटिंग द टेबल। सारी बना लेती हूँ और जल्दी ये रोटी बनाना बाकी है शरबत बनाना बाकी है तब तक तो इफ्तार का टाइम हो जाता है तो जल्दी जल्दी। सो इतने बन गए हैं जस्ट लुक एट द पेस्ट्री सो ब्यूटिफुल। सो हेयर ड्रायर को थोड़ा एग वॉश करना है सारे समोसा आई मीन पफ्स पर। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस एयर फ्रायर इज ये तो है 4.2 लीटर्स का स्टिल स्पेस कम ही है लेकिन जब मैंने कल चिकन ग्रिल किया था आई मीन एयर फ्राई किया था मैंने चिकन के पीसेस के ऊपर पीसेस रख दिए थे नॉट बैड बन गए थे तो आई डोंट नो वेदर आई कैन डू द सेम फॉर द पफ ऑल्सो। पहले आई ट्राई कीपिंग इतने चार इंच देखो 5 सो देखेंगे एक 10 मिनट्स के बाद। एयर फ्रायर की सबसे अच्छी बात वी कैन ओपन एंड चेक व्हेनेवर वी वांट। सो दिस विल मेक द पफ यू नो इट विल गिव अ गोल्डन लुक और बस। इससे पहले तो मैंने अवन में बनाया है पहली बार एयर फ्राई कर रही हूँ। स्टार्ट 170 के बन गए हैं। वाटरमेलन जूस विद सम रूअफ़ज़ा इसको फ्रिज में रख दूंगी। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज द कैप थोड़ा मैंने मिंट ऐड किया है थोड़ा लेमन वाटरमेलन रूअफ़ज़ा This will go straight in the fridge for some 10 minutes. Yeah. बन गए हैं लेकिन मैंने थोड़ा कंजेस्टेड कर दिया था ज्यादा पीसेस ऐड करके इसलिए मैंने सिर्फ अभी वाव जस्ट चेक आउट दिस इट्स परफेक्ट। अभी आई विल टर्न देम अगेन ब्रश इट विद सम एग वॉश और तब तक तो बन जाएंगे होपफुली। नहीं मेरे को यस ठीक है मेरे को ये मैंने अवन में बनाए क्योंकि टाइम नहीं था। अवन कैसे बने हैं ये तो बहुत ही अच्छे बने हैं फ्रायर के। इस पर मैंने थोड़ा भी ऑयल नहीं स्प्रिंकल किया है विदाउट ऑयल गोलन हाउ मेनी मिनट्स अजान का वेट कर रही हूँ। अजान अभी होगी बालकनी में आके खड़ी हूँ। अजान एक्चुअली अजान के लिए सुनाई नहीं दे रही है इसलिए बालकनी में आके खड़ी हूँ। अजान हो जाए तो जाकर ये दुआ करती हूँ। बैक अगेन इफ्तारी हो गई है और ईशान के अजान भी हो गए। वी आर रनिंग टू मस्जिद नाउ क्योंकि अगर जल्दी बात करने गए तो हमें जगह नहीं मिलेगी इसलिए हमें भी भागना है तो मस्जिद। So here comes to an end my vlog. नमाज खत्म हो गई है और मस्जिद आज भी पहली रकात हो रही थी और एंड
the masjid. Or that's it. Time to end the vlog. Back again after Salah, we've come here to freeze. फ्रीज में बहुत बार आई हूँ मेरे ब्लॉग में, घर के बहुत बार ये भी कुकू खाना था आइसक्रीम। सो बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ें आ रही थी व्हेन आई वाज वाइंडिंग अप माय व्लॉग, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सो मैं जैसे इतना ही बोल रही थी कि मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें नाज़ूस व्लॉग्स को। सी यू ऑल गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय माय व्यूअर्स।